दिल्ली से अगले कॉलर हैं मीना जी, स्वागत है आपका नमस्ते हकीम साहब जी। जी आदाब। हेलो सर, मुझे ना लिकोरिया की प्रॉब्लम है कोई 8-10 साल से, और टांगों में बड़ी पेन होती है इसकी वजह से, और मेंसेस के बाद ज्यादा हो जाता है। एज क्या है आपकी? 45। ठीक है। हाँ देखिए, टांगों में दर्द के लिए आपको लेना है गोंद स्याह। ये काला गोंद एक बहुत बेशकीमती गोंद है, अगर असली मिल गया 100 ग्राम भी, तो ये आपके दोनों रोग पर काम करेगा, लिकोरिया पर भी और दर्द पर भी। असली ले लीजिए 100 ग्राम, आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं बगैर चर्बी के दूध से, और रोज़ाना एक चम्मच आप भूसी इसबगोल कहते हैं, या सत इसबगोल कहते हैं, इसबगोल की भूसी कहते हैं, मेडिकल स्टोर पे मिलती है, एक चम्मच आप दूध में या पानी मिलाकर एक बार पी लिया करें, बस आपके दोनों रोग ठीक होना मुमकिन है। हकीम साहब, जैसे कि हम जितने भी रॉ मटेरियल को लेके बात करते हैं, लगातार हमारे प्रोग्राम्स में बड़ी शिकायतें आ रही हैं लोगों की कि हमने यहाँ से रॉ मटेरियल ले लिया, वहाँ से रॉ मटेरियल ले लिया, और हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है, और लोग मतलब दूसरे लोगों को ही अपना शिकार बना रहे हैं धोखाधड़ी का। मतलब इतनी सारी चीज़ें जो रॉ मटेरियल आप बताते हैं वही मार्केट में उपलब्ध हो रही हैं, ऐसा? हाँ देखिए, नकल का कोई इलाज नहीं है। जी मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ कि मैं कोई नुस्खा बताता हूँ और वो मार्केट में लोग उसी के नाम पर कुछ देने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं ही इसका मुजरिम हूँ कि मैंने ही बताया, अगर मेरी वजह से कोई कोई नकली चीज़ लेकर खाए और उसे नुकसान हो जाए, तो मुझे अपने आप में बड़ी घृणा सी होती है। तो मैं इसलिए बार बार पहचान बताता हूँ कैसा होता है, कैसा जायका होता है, कैसी खुशबू होती है, कड़वा होता है, या उसके बावजूद भी लोग गलत ले लेते हैं और दे देते हैं। भोली भाली जनता हमारे हिंदुस्तान की है, कोशिश करें कि असली लें जो भी मैं उसका बताता हूँ, और असली लेंगे तो फ़ायदा मुमकिन है। चलिए, इसी के साथ कुछ और कॉलर्स दिल्ली से हो। ओमकार सिंह, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ, मैं जैसे ये पूछना था, मेरी वाइफ है, उनके आंखों में पानी जाता है, हाँ, 4 साल हो गए और ठीक है, उसमें गाढ़ा गाढ़ा पानी जाता है, धुंधला धुंधला आ गया। आंखों से। हाँ जी, उम्र क्या है उनकी? 65। अच्छा देखिए, अगर उनको डायबिटीज नहीं है तो सौंफ खिलाया करें एक एक चम्मच खाने के बाद, और ये सौंफ तो पहले लोग खाते ही थे, खाने के बाद सभी लोग खाते थे, अब वो सब ने अपना वो सब बदल दिया खाने पीने का स्टाइल, तो इसमें बड़ा फायदा होता है सौंफ खाने से, आँखों के लिए, दिमाग को बहुत फायदा होता है, तो सौंफ खाया करें और गाजर का जूस पिया करें 1 गिलास रोज़ाना, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। आप ही करके देखें, मुमकिन है उन्हें फ़ायदा मुमकिन हो। जी, अगले कॉलर हैं बरेली से, रेनू सक्सेना जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो हाँ जी। मैडम, मेरे कान में दर्द था पहले, तो हाँ मैंने उसमें वो नारियल तेल इन्हें हकीम जी का डाला, मतलब नुस्खा डाला था मैंने कान में, हाँ उसमें लहसुन डाला था और नारियल तेल गुनगुना करके डाला था, तो दर्द तो चला गया लेकिन कान में आवाज आती है। जी। अच्छा देखिए, हम भारतीय लोगों का और विदेशी लोगों में एक फर्क है कि हम जब नहा के आते हैं तो बस नहा लिए, कपड़े पहने चल दिए, लेकिन मैंने विदेशियों को देखा कि जब भी वो नहा के आते हैं तो सबसे पहले बल्ट से अपना कान में डालते हैं और ऐसे घुमाते हैं, तो वो हमारे कान में पानी जाता ही है, और अगर फौरन बड डाल के दिया जाए तो बड में
पानी सोख लेने की सलाहियत है। तो एक तो ये किया करिए आप, और बहुत मुबारक आपको फ़ायदा हो गया मेरे मामूली मशवरे से। अब एक काम आपको करना है, 6 मिनट आपको निकालने हैं अपने लिए, ऐसे सीधा बैठें और ये ऐसे आप रोज़ाना 3 मिनट करना है। एक साथ नहीं कर पाएंगे मैं जानता हूँ, टाइम देख के 3 मिनट तीन किस्तों में कर लीजिए, तीन इंस्टॉलमेंट्स में, और फिर ऐसे बैठें और ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी 3 मिनट। अगर आपने किया तो 15वें दिन आपकी कान की आवाज़ कहाँ गई आप ढूंढते रह जाएंगे। और मेहनत का काम कुछ दिन मत करें, और जब भी आप स्नान करके आएँ तो अपने कान बर्ड से ऐसे खुजाएं ताकि वो मैल गीला हो जाता है, साबुन का पानी जाके मैल बनाता है, अंदर कहीं मैल बनता नहीं है हमारे कान में, तो बर्ड डाल देंगे तो पानी उसमें आ जाएगा और ये सब परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर है हिमाचल से नीलम शर्मा जी, स्वागत है आपका। बताइए। नीलम शर्मा की उम्र है 59 जी। ठीक है। हाँ जी, और हाइपरटेंशन पेशेंट है ये, कुछ 20 साल से दवाई खा रहे हैं। लेकिन अभी 4-5 महीने से जीभ पे जलन होती है और छाले होते हैं जी। ठीक। अच्छा देखिए, जितनी भी दवाइयां खा रहे हैं हम खाते हैं तो वो सब गर्म ही होती हैं, और उनके असरात सब यही होते हैं, दिमाग पर, जुबान पर, पूरे बॉडी पर। एक नुस्खा आपके लिए मैं बता रहा हूँ, वो आप बना लें खुद ही और नीलम को दें। देखिए, धनिया ले 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, और आंवला 200 ग्राम, सूखा हुआ आंवला मिलता है 200 ग्राम। और एक चीज़ लेनी है आपको, छोटी हड़, याद रखें छोटी हड़ 100 ग्राम लें, और इसको बादाम के या अरंडी के तेल में पहले भून लें, फिर यूज़ होती है, वरना नुकसान देती है। छोटी हड़ 100 ग्राम बादाम या अरंडी के तेल में भून के फिर इसमें डालें, और इसमें मिलाना है आपको 30 ग्राम छोटी इलायची, 30 ग्राम छोटी हरी वाली इलायची, और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, ये याद रखें, ये असली लेना, गौंद मोरिंगा सफ़ेद, इसमें मिलाकर पाउडर बना लें। अब ये पाउडर तैयार हो गया, इसको चाहें तो शहद में डाल दें, चाशनी में डाल दें, या ऐसी खिलाएं। एक चम्मच सुबह खाली पेट पानी के साथ, और ज़रूरत पड़े तो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो एक चम्मच रात को सोते समय पानी से खिलाएं। वो जो दवाएं दे रहे हैं वो दे सकते हैं आप, उनको कोई एतराज़ नहीं है। तो इससे ये इनके दाने भी चले जाएंगे और डिप्रेशन भी बहुत कंट्रोल होने लगेगा। कई महीने, शायद 3-4 महीने लेनी पड़े, लेकिन इनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, गुड़गांव से अगले कॉलर हैं मीना, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद दादा, बताइए मीना जी क्या सवाल है। हकीम साहब, मैं गोंद मोरिंगा ले रही हूँ और गोंद किया भी ले रही हूँ, लेकिन मैं रात को सोती हूँ ना, वैसे मैं बैठी रहूंगी, काम करती रहूँ या कोई बात करती हूँ तो ठीक हूँ, जब मैं सोने का मन बनाती हूँ तो मेरे घुटनों से नीचे पिंडलियों में ऐसे मांस उछलता है कि मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ और मैं सो नहीं पाती, बहुत दुखी हूँ। मेरे को कम से कम इसको दर्द को आज 10 दिन हो गए जी। तो मैंने मजबूरन आपके पास फोन किया करके मालूम किया है, तो एक मैंने आपकी सलाह जीत भी मैंने बुक कराई है, तो मैंने कहा उसी को भी लेके देखूंगी कुछ उससे भी असर पड़ता है कि नहीं, तो मैं आपसे कुछ राय लेना चाहती हूँ कि मुझे आप रास्ता बताएं। अच्छा ये बताइए, ये तकलीफ आपकी बढ़ रही है या घट रही है? थोड़ी बढ़ रही है सर। अच्छा, कहीं पर कम भी हुई है किसी जगह पर? हाँ, घुटनों में कम हुई हल्की। ठीक, घुटनों में कम हुई है, लेकिन जो पिंडली है ना, जो नीचे मांस होता है हमारा, पिंड घुटने से नीचे मोटे वाला मांस होता पिंडली में, ठीक है हाँ, उसमें तो मेरे को ऐसा होता है कि मैं क्या बताऊँ आपको।
ढूंढने का टाइम होता है, दिन में नहीं। हाँ, बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ इस मर्ज को, मैं जितना समझता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर इतना काम किया है, इतना काम किया है कि पता नहीं 30-40 साल से मैं इसी पे काम करता हूँ, और ये जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अभी तो आपको बुरा लगेगा कि घुटनों का निकल के पिंडली में चला गया, लेकिन ये दवा काम कर रही है, वरना घुटनों का दर्द पिंडली में कभी नहीं जाता। अच्छा, ये ठीक 6 दिन बाद ये अपना आप कम होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो दर्द की दवा भी ले सकते हैं। ये दर्द दरअसल आपके ना घुटने में है ना पिंडली में है, ये दर्द हमारे ये कमर है ना, यहाँ पीछे डिस्क में रगें दबी हुई हैं, तो वहाँ से रगें ऐसे सीधी हो रही हैं, तो वो जो घुटने में दर्द था वो पिंडली में आ गया। अभी ये हो सकता है पैर में चला जाए या गायब हो जाए, लेकिन 6 दिन इंतज़ार करिए, 6 दिन आप कोई दर्द की दवा भी ले सकते हैं, और जितना नुस्खा आपके पास है वो ख़त्म होने से पहले आपके रोग का निवारण मुमकिन है। ज़मीन में बैठना बंद कर दें, वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग करें, अगर नहीं है तो लगवा लें। आप बहुत जल्द मुझे फिर से फ़ोन करके बताएंगे कि आपका ये तकलीफ जा चुकी है। जी, दिल्ली से अगले कॉलर हैं विजय, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, दर्द जी से बात हो सकती है? जी जी, विजय जी आदाब, बताइए क्या सवाल है? वही, मुझे यूरिन काफी आता है, किसी वक्त आ जाता, कपड़े खराब हो जाते हैं। उम्र क्या है आपकी? उम्र तो नियर अबाउट 70 हो गई इस वक्त। 40 40 साल आपने बताया है? 70 जी। अच्छा, देखिए, इस उम्र में कुछ लोगों को परेशानी होती है पेशाब की। जब हमारा मसाना कमज़ोर हो जाता है और ग्लैंड्स पूरी तरह ग्रिप नहीं कर पाते तो ऐसा होता है। तो आप कुछ गर्म अशिया खाया करें, गर्म चीज़ें जैसे अलसी, मेथी, मेथी दाना, मेथी की सब्ज़ी भी खा सकते हैं आप, अलसी, मेथी और अंजीर, सूखी ही मिलती है, वो 2 खा लिया करें रोज़ाना। ये ग़िज़ाई इलाज करें, आधा चम्मच अलसी खा ली, 1 चम्मच अलसी खा ली, आधा चम्मच मेथी खा ली पाउडर बना के, और 2 अंजीर खा ली, 2-3 अंजीर रोज़ाना खा सकते हैं। ये बहुत मुकवी हैं, ताकतवर हैं, ये मसाने को जो फैल जाता है ना उसको सिकुड़ती हैं, आपको इससे फ़ायदा मुमकिन है। जी, दिल्ली से ही अगली कॉलर है शकुंतला जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मैं आपसे बात कई दिन से करने को कह रही हूँ, कोई करवाई में आज हो गई है तो कुछ देखना आज मेरे को। चलिए आप सवाल कर लीजिए। हाँ जी, नमस्कार मैडम। हाँ जी, सवाल है। हाँ जी, मेरे सुलेमान खान जी से बात करवाओगे? हाँ, नमस्कार जी, बात करवाइए। आदाब, मैं आपको सलाम करता हूँ, बताइए क्या सवाल है? हाँ जी, नाराजगी में बात कर रही हैं क्या आप? हाँ जी, मैं शकुंतला रानी बात कर रही हूँ तिलक नगर से। नाराज है क्या? मैं 1 महीने से मेडिसिन मंगवाई थी शौक, इतनी खुशी से सारा दिन टीवी देख देख के पागल हो गया, और मेरे को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता, मैं इस मेडिसिन को यूज कैसे करूँ? अच्छा, बताइए क्या मेडिसिन है? मैंने आपसे जैतून का सिरका मंगवाया 2 बोतल, और एक मैंने वो मंगवाया शिला जी। नहीं, मैं आपसे नाराज होंगी, आपकी सही कैसे थे? अच्छा, फिर बताइए क्या पूछना है आपको, फोन ना कट जाए कहीं फिर आप। सॉरी, मैं ये कह रही हूँ, जो जैतून का सिरका प्लस और शिलाजीत मंगवाया था, शिलाजीत। जी जी, मैं समझ गया, आगे बोले। हाँ जी, शिलाजीत कैसे लूँ? मैंने मंगवा लिया, आपने बालों के लिए कहा था, मैंने इसलिए मंगवा लिया, बाल झड़ गए थे। ठीक है। अच्छा, अब आप सुनिए मेरी बात, अच्छी बात है कि आप नाराज नहीं है।
अच्छा, सबका फोन मिल नहीं पाता, हम शर्मिंदा हो जाते हैं, सब लोग का फोन नहीं मिल पाता। शिलाजीत, आधा ग्राम बस एक बार ही ले सकते हैं, बहुत ताकतवर है ये, और एक कप दूध से लें, ये काफ़ी ताकतवर है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते पूरे दिन में, खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, दूध लेना बहुत ज़रूरी है इसके साथ, बहुत ताकतवर है ये, असली शिलाजीत है, तो एक बार लिया करिए, आप देखेंगे आपके बालों में, आपके गालों में, आपके जिस्म में वलवला पैदा हो जाता है, जोश पैदा हो जाता है। जो रईस किस्म के लोग हैं वो खाते हैं, शायद आप रईस हैं, वरना सब लोग तो इसे ले भी नहीं पाते, महंगी भी आती है, असली शिलाजीत है ये। और जैतून का सिरका 3 चम्मच रोज़ाना 1 गिलास पानी मिला के किसी वक्त खाने के बाद, दिन में रात में कभी भी एक बार ले लिया करें। और इस पर एक नंबर है, कभी भी आपको परेशानी हो तो जिस पर एक नंबर होगा उस पर जो पैकेज में आपको दवा आई है वो अपने पास रखें और उस पर बात कर लिया करें, वो आपको फौरन इसका हल बता सकते हैं।